से है। बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। भूमाफिया अपराधियों के निर्माण ढहाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। जबलपुर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को किया निरस्त। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ, जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच का निर्णय है। जिनकी संपत्ति तोड़ी गई और याचिकाकर्ता का आपस में कोई संबंध नहीं, इसलिए जनहित याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने दायर की थी याचिका। याचिका में कार्रवाई को बताया था असंवैधानिक। तो याचिका को एक बार फिर से हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जबलपुर की हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज किया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जबलपुर से हमारे संवाददाता संजय साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जो बुलडोजर वाली कार्रवाई थी उसको लेकर चुनौती दी गई थी हाईकोर्ट में, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस चुनौती को खारिज कर दिया है। जी बिल्कुल, बात करेंगे जबलपुर की। तो जबलपुर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में, जिसमें एक याचिका दायर की गई थी, जो एडवोकेट है अमिताभ गुप्ता उनके द्वारा ये याचिका दायर की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ये जो बुलडोजर भूमाफिया और अपराधियों पर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है वो कार्रवाई असंवैधानिक है, जिसको लेके हाईकोर्ट ने ये उस याचिका को जनहित नहीं मानते हुए, जनहित याचिका नहीं मानते हुए याचिका को निरस्त कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट ने ये कहा है कि याचिकाकर्ता और जो लोग उससे पीड़ित हैं उनके बीच में कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये याचिका की जाती है। साथ में हाईकोर्ट ने एक और बात कही है कि अगर पीड़ित पक्ष चाहे तो संबंधित तो उसके लिए जो न्यायालय है वो खुले हुए हैं, वहां पर वो जा सकता है, अपनी मतलब याचिका दायर कर सकता है। लेकिन ये जो याचिका दायर की गई है वो सुनने योग्य नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।